तो भगवान कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। बहुत कोई के पास जो है पैन कार्ड नहीं होता है, बिना पैन कार्ड के अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो ये जो है आरबीआई ने सुविधा लॉन्च कर दिया है, या इससे पहले भी मतलब ये सुविधा जो है पहले ही आ चुकी थी। मैं इसका जानकारी आप लोग को आज दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कोई के पास जो है पैन कार्ड नहीं है, या 18 से कम एज के लोग रहते हैं, या जिनका 18 प्लस भी हो जाता है वो पैन कार्ड नहीं बना पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में आपको फॉर्म 60 यानी कि 60 फॉर्म 60 सभी बैंक में अवेलेबल होते हैं। ये प्रोसेस जो है आपको ऑफलाइन प्रोसेस से आपका अकाउंट ओपन होगा, यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड है। फॉर्म 60 एक नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर या आपका नाम, नॉर्मल डिटेल्स फिलअप करके आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता है। जो भी बैंक आप अकाउंट खोले, आपके एरिया में जो भी बैंक अकाउंट है, फॉर्म 60 आप उनसे मांगिएगा, वो एक दे देंगे। हो सकता है फॉर्म का कलर डिज़ाइन अलग हो, लेकिन फॉर्म जो है एक ही फॉर्म 60 सभी बैंक में अवेलेबल होते हैं। SBI से लेकर, सेंट्रल से लेकर, पंजाब नेशनल से लेकर, ग्रामीण बैंक से लेकर, जो भी आपके एरिया में बैंक है उस हिसाब से बैंक में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मली अकाउंट होते हैं। इसमें आपको एक जीरो बैलेंस मेंटेन अकाउंट मिल जाएगा, मेंटेन अकाउंट भी मिलता है और जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो मेरे हिसाब से आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है उसमें। लेकिन आपको फॉर्म 60 फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आपको नॉर्मली डिटेल ही होते हैं, कुछ हाई फाई डिटेल नहीं होते। आप खुद से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स और ओरिजिनल आधार कार्ड भी बैंक में लेके जाना है। ये आपका वेरीफाई होने के बाद 1 से 2 दिन बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको पासबुक मिलेगा। ATM कार्ड की उम्मीद छोड़ दीजिए, 18 प्लस के बाद ही आपको ATM कार्ड मिलेगा। हाँ, अगर आपका 18 प्लस एज है तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो बैंक के स्टाफ के ऊपर होता है, क्योंकि पैन कार्ड ATM कार्ड के लिए मैंडेटरी होते हैं। यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है अगर आप देंगे तभी ATM कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। हो सकता है अगर आप पैन कार्ड ना दें तो ATM कार्ड मिलने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन अकाउंट ओपन हो जाता है। हालांकि आपको बैंक इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जितने होते हैं ये सभी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको ATM कार्ड प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर ये सब भी आपको सुविधा मिल गया तो जिससे आप UPI आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं किसी भी बैंक का, सभी बैंक में फिलहाल UPI लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले स्टार्ट किया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, लेकिन अदर्स बैंक में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, अगर विदाउट पैन कार्ड भी अकाउंट ओपन होता है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में पैन कार्ड और आधार कार्ड 100% लगता है। ऑफलाइन प्रोसेस से बिना पैन कार्ड के फॉर्म 60 फिलअप करके आपको मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग, लेकिन ATM कार्ड का उम्मीद मत रखिए इसमें 60 फॉर्म। आई होप आपको जानकारी चली, वीडियो चली, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।